Assalamualaikum, welcome to Faraz Kitchen. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसे क्लिक करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी जो है बहुत ही हेल्दी और पीने में भी बहुत ही डिलीशियस है। तो हम बना रहे हैं जामुन लस्सी या जामुन स्मूदी भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये बस फटाफट बन के तैयार हो जाती है 1 मिनट में और पीने में बहुत डिलीशियस होती है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। और आजकल जामुन बहुत अच्छा है भी मार्केट में, तो क्यों ना एक अच्छा सा ड्रिंक बनाया जाए उससे। तो ये मैंने 250 ग्राम जामुन ले लिए हैं। जामुन आप थोड़े अच्छे वाले लीजिएगा जो एकदम गोल गोल से होते हैं। तो इस तरह करके हम उसका पल्प अलग कर लेंगे और सीड को उसके हम अलग कर देंगे। तो इस तरह हमने सारे जामुन को काट के इसका पल्प अलग कर लिया था और ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो अब मैं अपने ग्राइंडर के अंदर सारे जामुन का पल्प डाल दूंगी और इसके अंदर मैंने कुछ मिंट लीव्स लिए हैं, इससे बहुत बहुत फ्रेश लगता है। तो बस अब मैंने ले लिया है 250 ग्राम कर्व और अब मैं इसके अंदर बस कुछ ही चीज़ें और डालूंगी। तो मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर हनी का यूज़ किया है और अगर आप इसकी जगह शुगर चाहें तो वो भी डाल सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। और मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ब्लैक नमक जो होता है, ब्लैक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट बोलते हैं आप उसको, वो डाला है। बस इन सब चीज़ों को हमने साथ में ग्राइंड कर लिया था और अब इसके अंदर मैंने कुछ बर्फ़ के क्यूब डाले हैं, आइस क्यूब्स। तो इससे हमारी लस्सी थोड़ा जूसी, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वो बिल्कुल एकदम जैसी चाहिए थी हमें कि पी सकें अच्छे से, वैसी ही हो गई है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना थिक रखना चाहते हैं। तो बस हमारी एक बहुत ही डिलीशियस सी लस्सी बनके तैयार है और ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। तो गर्मियों में जब भी दिल करे जामुन आए हुए हों और सीजन के फल ज़रूर यूज़ करने चाहिए, और जामुन तो ख़ासकर ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है इंसान की हेल्थ के लिए, ख़ासकर डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत बहुत फ़ायदेमंद फ्रूट है ये। तो ये हमें सीज़न के फ्रूट्स यूज़ करने चाहिए और कुछ नया करना चाहिए, तरह तरह की चीज़ें बना के ट्राई करना चाहिए। तो ये लस्सी बहुत बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत डिलीशियस ड्रिंक था और एकदम रिफ्रेश कर दिया था इसने। तो आप ये ड्रिंक ज़रूर ज़रूर बनाएं और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे आप लाइक करें मेरी वीडियो को और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। और दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।